क्षेत्र में जैसा कि ही गया था पूरे कंस्टिट्यूंसी में 17,94,300 वोटर हैं, जिनके 1848 बूथ पे प्रशासन द्वारा बंदोबस्त किया गया था। इसमें हमारे वनरेबल बूथ जिनको बोलते हैं क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाइड है, जहाँ पर कमीशन की हिदायत के अनुसार एक तो हमने 100% बूथों पर CCTV कवरेज है, जैसे किसी भी बूथ पर जहाँ वहाँ पर CCTV कवरेज मिलेगा। इसके अलावा CAPF की हाफ सेक्शन या फुल सेक्शन डिप्लॉयड है क्रिटिकल बूथ को, या फिर वहाँ पर जनरल ऑब्जर्वर जो कमीशन के द्वारा नियुक्त होती है उनके द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स सीधा ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं, उनकी भी नियुक्ति है, ताकि हम लोग पूरी तरह से फ्री एंड फेयर करा सकें। कुरुक्षेत्र जिले में जैसे हमारे पास 4 कंपनी इसी तरह से टोटल शोर कम कराना बन रहा है, इसी तरह से 2,200-2,300 पुलिस की डिपार्टमेंट है, इसी तरह से रादौर में भी अराउंड 400-500 पुलिस फोर्स की डिपार्टमेंट, पूरे प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त होता है बन सकते हैं, इसलिए ताकि फ्री एंड फेयर खोल कर। कोई मतदान के लिए अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले? मैं फिर से एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कल सुबह सुबह भारी संख्या में बाहर आए और प्लीज़। कल लोकसभा के इलेक्शन का मतदान होना है, मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि बगैर किसी डर के बगैर भय के अपना मतदान करें। पुलिस की जिला पुलिस की ओर से सभी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा हरियाणा आर्म्ड पुलिस और पैरामिलिट्री की कंपनी सफिशिएंट नंबर में यहाँ रिपोर्ट कर गई हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये चुनाव जो बिल्कुल फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। तो कोई अपील रहेगी? मैं ये अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ये डेमोक्रेसी है और आपको बिल्कुल सुरक्षित माहौल में मतदान करने की आवश्यकता है। थैंक यू।